देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। कभी जनसंख्या को लेकर तो कभी सुरक्षा को लेकर हवा दी जाती रही है। इसे लेकर कभी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान तो कभी आमिर खान निशाने पर रहते हैं। लेकिन अब मुसलमानों को लेकर आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा विवादित बयान दे दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर कह दिया कि भारत में अब मुसलमानों के लिए माहौल नहीं रह गया है। हालांकि उन्होंने सफाई दी है, जबकि पटना के मुसलमानों ने कहा कि हम लोगों को कोई डर नहीं लगता है। दूसरी ओर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयानों की निंदा हो रही है और उन्हें पाकिस्तान तक जाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में हम आपको बताएंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। पहले बात करते हैं पांचवें नंबर की। बिहार की राजनीति में अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़ा नाम है। वो कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें 7 बार सफलता मिली है, यानी ये 7 बार विधायक बने हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 8वीं बार विधायक नहीं बन पाए और हार गए थे। इसके पहले इन्हें साल 1980 से लेकर 1990 तक, यानी कि 1980 से लेकर 1990 तक 3 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। फिर इन्हें 1992 में विधान परिषद सदस्य बनाया गया। इसके बाद से सिद्दीकी विधानसभा चुनाव जीतते रहे और अंतिम बार 2020 के विधानसभा चुनाव में हारे। दूसरी ओर राजनीतिक सफर से अलग अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। खास बात कि इनके इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद भी इनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसे राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते हैं जिनकी छवि आज भी साफ सुथरी है। मृदुभाषी और मिलनसार होने की वजह से इन्हें हर पक्ष और विपक्ष के लोग बराबर सम्मान देते हैं, लेकिन इनके नए बयान से बीजेपी के लोग गुस्से में हैं और इन्हें पाकिस्तान तक जाने की बात कह दी है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत लोक नायक जयप्रकाश नारायण के छत्र छाया में की थी। कहा जाता है कि वो जेपी के सबसे चहेते शिष्यों में से एक थे। ये तो आपको पता ही है कि आज की राजनीति में जितने भी बड़े नेता हैं, उनमें मैक्सिमम जेपी आंदोलन की उपज है। चाहे आप लालू यादव की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार की। बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने भी राजनीति का कखरा 1974 के आंदोलन से ही सीखा है और उसी छात्र आंदोलन से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी राजनीति सीखी है और उसका असर उन पर साफ दिखता है। इतना ही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी की राजनीतिक जिंदगी के साथ पर्सनल लाइफ भी दूसरों के लिए मिसाल रही है। स्वभाव से बेहद संवेदनशील सिद्दीकी ने इंटरकास्ट मैरिज की है। उनकी पत्नी नूतन सिन्हा जेपी आंदोलन के दौरान उनकी जिंदगी में आए। हालांकि शादी के लिए फैमिली के लोग तैयार नहीं थे। इस विरोध के बावजूद दोनों ने शादी की। इस विवाह को जेपी और कर्पूरी ठाकुर दोनों का आशीर्वाद और नैतिक समर्थन मिला था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने राजनीतिक सफर में कई दफे मंत्री बने। इन्हें कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार तक की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। इसके अलावा ये लालू यादव और राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में भी शामिल रही हैं। दरअसल अपना पहला ही विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्दीकी को कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2010 आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला। साल 2015 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी तो सिद्दीकी को बिहार का वित्त मंत्री बनाया गया था। बता दें कि ये पहली बार साल 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दरभंगा की बहेड़ा सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। इस चुनाव में सिद्दीकी ने कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव के काफी नजदीकी हैं और उनका इन पर काफी भरोसा है। खास बात कि लालू यादव को इन पर जितना भरोसा है उतना ही भरोसा तेजस्वी यादव को भी है। बता दें कि लालू यादव के कहने पर ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2009 और 2014 में मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वे दोनों ही बार जीतने में असफल रहे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं तेजस्वी ने भी 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी पर दरभंगा लोकसभा सीट से दांव लगाया, लेकिन लाभ नहीं मिला। वे 2019 में भी हार गए। 2007 में लालू ने इन्हें अहम जिम्मेवारी दी। इन्हें आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
2010 में ही नेता प्रतिपक्ष रहे। खास बात कि पिछले दिनों जगदानंद सिंह अपनी ही पार्टी से जब नाराज थे तो एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए इनका नाम आरजेडी के गलियारे में दौड़ने लगा। बाद में जब डैमेज कंट्रोल हुआ तो इन्हें प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी दे दी गई। अब बात करते हैं पहले नंबर की, और इसमें बात करते हैं कि आखिर सिद्दीकी ने क्या कहा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है, देश में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है, इसीलिए विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों को मैंने देश न लौटने की सलाह दी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बेटी है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पास आउट है। देश का जो माहौल है, ऐसे में हमने अपनी बेटा बेटी को कहा कि उधर ही नौकरी कर लो, अगर नागरिकता भी मिले तो ले लेना। अब भारत में माहौल नहीं रह गया है, पता नहीं तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। आप एक बार खुद सुन लीजिए कि सिद्दीकी क्या बोल रहे हैं। मैं एक अंतिम में आखिरी में एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मेरा एक बेटा है और एक बेटी। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन अपनी मातृभूमि को छोड़ दे, ये दौर आ गया। तो आपने सुना कि वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से कोई ये बातें अपने बच्चों के लिए कहेगा कि अपने वतन को छोड़ जाओ, देश में ऐसा दौर आ गया है कि मुझे अपने बच्चों से ये कहना पड़ रहा है। दरअसल 17 दिसंबर 2022 को एक कार्यक्रम था, इसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर को सम्मानित किया जाना था। इसी कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।